गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस टॉप 3 मोबाइल लेके हैं जियो फोन, अगर 2024 में आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं अगर अभी आपको जियो फोन लेना है तो कौन सा आपको लेना चाहिए। यहां पे मेरे पास मोबाइल आए हुए 3 है जिसमें आपको जियो सिम चलाने के लिए मिलने वाला है। जियो कंपनी ने ये मोबाइल सारे अपग्रेड कर दिए हैं, 2024 में आपको बहुत कुछ बदलाव इसमें नज़र आने वाला है। तो चलिए गाइस आज मैं आपको इन तीनों फ़ोनों में ये दिखाऊँगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव किया और क्या कुछ आपको जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब ये सारी चीज़ें इसमें चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास पुराना फ़ोन भी है जियो का जिसमें आपको बहुत सारे ऑफ़र पहले मिलते थे। तो चलिए गाइस सारे ऑफ़र के साथ में आपको डिटेल से सारी जानकारी देते हैं और आपको अपनी पुरानी सिम भी इसके अंदर डालना होगा, उसके अंदर कितने का ऑफ़र मिलेगा और कैसे आपको इसे बुक करना है गाइस सारी जानकारी डिटेल के साथ में आपको देते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या कुछ आपको नया मिलेगा और क्या कुछ आपको ऑफ़र मिलेगा वाला है। तो गाइस सारा सामान मैंने कुछ इस तरीके से लगा रखा है। तो गाइस चलिए एक एक करके आपको सारी डिटेल से जानकारी देते हैं। तो ये जो मॉडल है गाइस इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो बदलाव कर दिए हैं कंपनी ने, जो अपग्रेड कर दिए हैं। मैं आपको डिटेल से सारी जानकारी डिटेल से देता हूँ। तो वीडियो आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना आज की वीडियो, क्योंकि इसके अंदर के सारे फीचर्स हैं जो चेंज हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर सारे मोबाइल खोल रखे हैं जो मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर क्या कुछ आपको नया मिलेगा और कितने फीचर्स हैं जो बदल गए हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जियो का भारत है, इसको मैंने सारा बॉक्स खाली कर दिया। इसका सारा सामान जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका जो भी सामान है मैंने साइड में रखा हुआ है, इसके अंदर क्या कुछ आपको मिला हुआ है ये भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस पहले मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ, इसके बाद मैं इसकी बैटरी डाल के आपको दिखाऊंगा इसके अंदर के सारे फीचर्स। तो पैकिंग के अंदर कुछ इस तरीके का फ़ोन आपको मिल जाता है, इसको पैकिंग को साइड में रखते हैं और इसके अंदर का क्या सामान आपको मिलता है ये दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक बैटरी मिल जाती है, 2000 mAh की आपको बैटरी मिलती है इसके अंदर, जो आपको ओल्ड वाले फ़ोनों में पहले मिलती। तो जो यहाँ पर मेरे पास एक ओल्ड फ़ोन लगा हुआ है जिससे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि इसके अंदर के सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं आपको और इसमें देख लेते हैं क्या मिला हुआ है। यहाँ पे जियो की बैटरी मिली हुई है 2000 mAh की, एक चार्जर मिला हुआ है, ये LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है, इसको साइड में रख देते हैं। और फ़ोन कुछ इस तरीके की कंडीशन में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका जो ओल्ड फ़ोन आता था गाइस यहाँ पे दिखा देगा आपको, ओल्ड और एक नया फ़ोन गाइस आपको इसमें डिस्प्ले जो साइज़ है वो 2.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको फंक्शन की आपको मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ कि फंक्शन आपको कैसे मिलते हैं। फंक्शन बताने से पहले मैं आपको यह फ़ोन दिखा दूं एक बार, 2.4 इंच की डिस्प्ले है और इसमें जो कीपैड है वो हैंगिंग की प्रॉब्लम गाइस इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसका जो बैक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा नए वाले फ़ोन में, तो आपको जो बैक है स्पीकर मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है, जियो लिखा हुआ है और इसमें ब्लू कलर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर के साइड में इसमें आपको एक टॉर्च मिल जाएगी और सबसे लास्ट में अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर LG 3500 का आपको एक चार्जर मिल जाता है और यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको मिल जाता है। तो इसमें गाइस अभी बैटरी डालते हैं और आपको दिखाते हैं, इससे पहले मैं एक बार आपको फ़ोन दिखा दूं। यहाँ पे दूसरा फ़ोन भी मेरे पास है, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे जियो इनसाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे भारत केवन 4G नाम से लिखा हुआ है। इस फ़ोन के अंदर आपको ये सस्ता फ़ोन बहुत ही आता है गाइस, यहाँ देख सकते हो 1.77 इंच की डिस्प्ले के साथ में ये फ़ोन आता है जिसमें आपको रेड और ब्लैक कलर मिल जाता है, भारत लिखा हुआ इसमें भी रहेगा और जियो सिम आपको इसमें डालनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जियो इनसाइड, अपनी आप पुरानी सिम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। रिचार्ज मैं आपको बताता हूँ ऑफ़र कितने का साथ में मिलेगा। तो इसमें मैं बैक दिखाऊँ आपको, कैमरा और स्पीकर साथ में मिलेगा। ये कार्बन कंपनी का मोबाइल है, देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और जियो ने इसे मिलके बनाया। तो ये फ़ोन भी काफ़ी सस्ता आता है और इसके अंदर के आपको फीचर्स भी सारे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर की साइड दिखा दूं, यहाँ पे एक जो टॉर्च है वो मिल जाती है, बिग टॉर्च आपको इसमें साथ में मिल जाती है और यहाँ पे LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी साथ में मिल जाता है। तो चलिए गाइस एक एक करके सभी फ़ोनों में मैं आपको एक बार बैटरी डाल के दिखाता हूँ इसके अंदर के सारे फ़ीचर्स में आपको क्या कुछ कंपनी ने बदलाव दिया है। तो ऑफ़र बताते हैं और बुक करने का ऑप्शन बताते हैं, कितना कुछ आपको इसमें मिलने वाला है सारी जानकारी आपको देते हैं। तो गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपको एक सिम डालनी और एक मेमोरी कार्ड आपको डालना है। यहाँ जियो का लिखा हुआ है, जियो भारत लिखा हुआ है, एक सिम आपको यहाँ पे मॉडल नंबर दिखा रहा है और एक बारकोड भी आपको यहाँ से मिल जाता है। 0.3 MP को इसमें कैमरा भी मिलता है और यहाँ पे बैटरी हम डाल देते हैं आपको। इसको बैटरी डाल के सारे फीचर्स देखा हो, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपके सारे फीचर्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, जो फ़ोन मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ इस समय जियो का भारत है और यहाँ पर पुराना वाला फ़ोन है जिसमें मैंने बैटरी डाल दी है ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हो। इसके
गाइस यहाँ पे मैंने बैटरी सभी फ़ोनों में डाल दी है, तो इसके अब हम अंदर के सारे फीचर्स बताएंगे, इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले पुराना फ़ोन ले लेते हैं यहाँ पे जियो का पुराना वाला फ़ोन है, इसके अंदर के सारे फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप मिल जाता है, फेसबुक मिल जाता है, यूट्यूब भी मिल जाता है, जियो सावन मिल जाता है, जियो टीवी मिल जाता है, जियो का जो प्ले स्टोर की जगह पर जियो स्टोर आपको यहाँ मिल जाता है। तो अगर कोई ऐप अगर इंस्टॉल करनी है तो जियो स्टोर पर आप कर सकते हैं, जियो स्टोर यहाँ पर मिलता है। तो जियो सिनेमा है, जियो सावन, इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको वाईफाई वीडियो कॉलिंग भी आपको मिल जाता है। तो उस मैं आपको ये बताऊंगा नए वाले फ़ोन में ये सारे ऑफ़र आपको मिलते हैं कैसे और कैसे आपको चलाने हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस सबसे पहले मेनू में चले जाते हैं और सबसे पहले आपको जो ऑप्शन बताने वाले हैं मैं आपको, यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग आपको मिल जाता है, जिसमें आपको इंटरनेट ब्राउजिंग में क्या क्या चलाने को मिलेगा ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो इंटरनेट ब्राउजिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इंटरनेट ब्राउजिंग पर आपको फेसबुक लॉगिन करने को मिल जाए, तो इंटरनेट ब्राउजिंग आपको यहाँ से मिल जाता है। और इसके अंदर आपको क्या चलाने को मिलेगा, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक, तो आपको फेसबुक लॉगिन करने का यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपको यहाँ से मिल जाता है। दूसरा मैं आपको यहाँ से बताऊँगा जियो सिनेमा आपको यहाँ से मिल जाता है, जियो सिनेमा पर आपको मूवी नए नए गाने वगैरह सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जियो सिनेमा आपको ऐसे मिल जाता है, जो सबसे लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है। और जियो सावन मिल जाता है, 8 करोड़ गाने आप सुनेंगे जियो सावन पे, जो यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाता है। और ये यूपीआई पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देखो डब्बे में सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यूपीआई पेमेंट करने का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, अपडेट कर दिया गया, नया फ़ोन है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अपडेट कर दिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ देख सकते हो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ फंक्शन आपको अपग्रेड कर दिया गया है, टॉर्च आपको मिल जाती है, और 128 GB तक का इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते, और WhatsApp, Facebook, YouTube इसमें ये देख रहे हैं कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन भी आपको मिल जाता है। फ़ोन काफ़ी सस्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर WhatsApp, Facebook, YouTube कैसे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी आप पुरानी सिम डाल सकते हैं इसके अंदर, पुरानी सिम में आपको 123 रुपये का रिचार्ज कराना है, 1/2 GB नेट डेली मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, ठीक है। 7591 का रिचार्ज नहीं होगा, जो पुराने वाले फ़ोन में आपको पहले होता था गाइस, ठीक है। गाइस यहाँ पे दूसरा फ़ोन भी है जिसमें मैंने बैटरी डाल रखी है, तो इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इसके अंदर आप जियो सिम चला सकते हैं, आप अपनी पुरानी सिम डाल सकते हैं, उसके अंदर क्या ऑफ़र मिलेगा और इसके अंदर के मैं पहले आपको फीचर्स कुछ बता दूं। जैसे जियो सिनेमा, जियो सावन, यूपीआई पेमेंट मोड और इंटरनेट ब्राउजिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके बॉक्स में आपको दिखा देते हैं, अगर आपको जो भी फ़ोन इसमें से पसंद आता है, आपको देख लो ये दो फ़ोन है, दोनों में से जो भी फ़ोन आपको पसंद आता है आप इजीली इसे ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कार्बन भारत, यहाँ पर लिखा भारत K1 4G नाम से, इसका मॉडल नंबर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, कार्बन भारत K1 4G नाम से मॉडल नंबर है। जियो सिम इसमें आपको डालनी होगी, अपना पुराना सिम आप इसके अंदर डाल सकते हैं, 123 रुपये का आपको रिचार्ज कराना होगा। और इसके अंदर के फंक्शन मैं आपको दिखाऊँ, जियो सिनेमा, जियो सावन, HD वॉइस कॉल कर सकते हैं, 1.77 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डर आपको मिल जाता है, 0.3 MP को आपको इसमें कैमरा भी मिल जाता है, और वायरलेस FM भी आप इसके अंदर चला सकते हैं, 128 GB का आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। LED टॉर्च वगैरह मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया, एक चार्जर बैटरी आपको इसमें जो मिला हुआ है वो यहाँ पे साइड में आपको मिल जाता है। और इसके अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे सस्ता फ़ोन ये वाला आता है, अगर जियो सिम आप डालना चाहते हो तो जियो सिम इसके अंदर आप ईजिली डाल सकते हैं, और यहाँ पर 1999 रुपये इसकी MRP है, और ये फ़ोन आता है मात्र 999 रुपये का, आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो फ़ोन है गाइस मैं आपको बताऊँ इसके अंदर क्या कुछ आपको फंक्शन नहीं मिलेगा वो भी बताता हूँ, और आपको कैसे लेना है ये बताता हूँ। तो ये भारत B1 4G नाम से है, 1299 रुपये का फ़ोन मिलेगा, इसकी जो MRP है 2599 रुपये है, और ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर के मैं आपको बताऊँ आपको WhatsApp और YouTube नहीं मिलेगा, और इसमें आपको Instagram, Facebook और ये वीडियो कॉलिंग वगैरह नहीं मिलेगा। तो आपको इसको फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, और ये भी आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो ये जो इसके कीपैड है वह काफ़ी अच्छे हैं, हैंगिंग इसमें बिल्कुल नहीं होता है, 1299 का फ़ोन है, अपनी पुरानी सिम डाल सकते हैं, 123 रुपये के रिचार्ज पे आपको चलानी होगी। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं जिसे आप इजीली इसे ले सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है, और गाइस यहाँ पे जियो स्टोर पे भी आपको ये फ़ोन मिल जाता है ऑफर में। अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना।